National Park. स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम में. हम चर्चा कर रहे हैं समुद्र विज्ञान पर. तो चलिए जानते हैं शुभ्रता मिश्रा जी से. प्रोफेसर लफांड को भी प्रोफेसर पनिकर के साथ भारत में आधुनिक समुद्र विज्ञान के साथ जोड़ा जाता है, निर्माता कहा जाता है. इस पर थोड़ी जानकारी दें. ये बिल्कुल आपने सही कहा कि आधुनिक समुद्र विज्ञान जो भारत में आया उसका प्रादुर्भाव जो हुआ उसमें डॉक्टर पनिकर के साथ साथ डॉक्टर प्रोफेसर लफांड जो कि स्क्रिप्स इंस्टीट्यूट यूएसए के बहुत ही प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित समुद्र वैज्ञानिक रहे हैं, तो उनका बहुत बड़ा योगदान था. और उनको भारत में लाने का श्रेय प्रोफेसर पनिकर का है, क्योंकि उस समय 1957 की जब हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय हिंद महासागर के अभियान की, तो उस समय भारत में समुद्र वैज्ञानिक अध्ययन बहुत ही कहना चाहिए कि शैशवावस्था में था जी. तो उसको एक मजबूत नींव देने के लिए प्रोफेसर लफांड ने बहुत काम किया. उनको विशेष तौर पर व्याख्यान देने के लिए बुलाया गया था और उनको लगाव भी भारत से बहुत था, क्योंकि आंध्र विश्वविद्यालय में लगभग दो अवधियां ऐसी थी 53-54 और 56-57. उस दौरान उन्होंने एज अ विजिटिंग प्रोफेसर वहां पर अपनी सेवाएं दी थी. और इसके अलावा जब पनिकर ने उनको बुलाया तो उन्होंने भारत के बहुत से विश्वविद्यालय, उनमें आप देखेंगे बड़ौदा विश्वविद्यालय, चेन्नई विश्वविद्यालय, आंध्र विश्वविद्यालय, अर्नाकुलम और भी बहुत से जो संस्थान थे जहाँ छोटे छोटे समुद्र वैज्ञानिक कार्य हो रहे थे, वहां जाकर समुद्र वैज्ञानिकों को उन्होंने प्रोत्साहित किया कि उनको अंतर्राष्ट्रीय हिंद महासागर से जुड़ना है. और उस समय हमारे जो वैज्ञानिक थे समुद्र वैज्ञानिक, विशेष तौर पर अमेरिका के जो जीव वैज्ञानिक कार्यक्रम थे उनसे वो संलग्न थे. तो उस समय जैसा कि मैंने कहा कि शुरुआती दौर था, तो वैज्ञानिकों को, बहुत से समुद्र वैज्ञानिकों को तो बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय जो क्रूज थे उन पर जाने का भी अनुभव नहीं था. बिल्कुल. तो वो छोटी छोटी बातें भी प्रोफेसर लफांड ने उनको बताई कि किस तरह से एक क्रूज है जो जलयान है उसके अंदर जो प्रयोगशालाएं हैं उनमें आपको काम करना है. तो प्रयोगशालाओं में काम करना और प्रयोगशालाओं में क्या काम करना है वो सारी बातें उन्होंने बड़े प्रोफेसर लफांड ने बताई. प्रोफेसर लफांड ने पनिकर जी को बताया? नहीं नहीं, सारे समुद्र वैज्ञानिकों को बताया. मतलब व्यक्तिगत तौर पर उनके व्याख्यान रहते थे. तो उससे क्या था कि बहुत प्रेरणा मिली. एक इतना बड़ा समुद्र वैज्ञानिक यदि आपको प्रशिक्षित कर रहा है तो ये अपने आप में बड़ी बात होती है. तो ये एक बड़ा योगदान था. और मैं एक बड़ी मजेदार बात बताना चाहती हूँ कि उनका नाम था प्रोफेसर यूजीन लफांड. तो उनके जो लोग थे वो उनको बड़े प्यार से जीन कहते थे. जीन के नाम से बड़े फेमस थे वो. और वो तो उन्होंने मतलब इस तरह से जो काम किया. और इसके अलावा मैं बताऊंगी कि उन्होंने उनके नाम पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समुद्र वैज्ञानिकों के लिए लफांड पदक की स्थापना की गई है. तो ये अंतर्राष्ट्रीय पदक है, जो भी अच्छा समुद्र विज्ञान में कार्य करता है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये पदक मिलना अपने आप में बड़ी बात है. उन्होंने एक जीन की तरह काम जरूर किया. वो कह सकते हैं कि समुद्र विज्ञान के जीन थे. बिल्कुल बिल्कुल जी. और इसके साथ ही जो है उनके योगदान को देखते हुए ही आंध्रा विश्वविद्यालय ने उनको डीएससी की उपाधि दी 1956 में. जैसे मैंने आपको बताया कि उस समय प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हिंद महासागर अभियान की शुरुआत हो चुकी थी, तो बहुत ही कम समय में प्रोफेसर लफांड ने एक प्रशिक्षित लोगों की टीम बनाई. और प्रशिक्षित लोगों की टीम न सिर्फ बनाई बल्कि ये भी सुनिश्चित, जो भारत की जो भागीदारी है अंतर्राष्ट्रीय हिंद अभियान में उसमें भागीदारी भी सुनिश्चित की. और ये भी सुनिश्चित किया कि वो जाकर के सहजतापूर्वक अपने जो है जितने भी प्रेक्षण है वो कर सके. और उस दौर में आप देखिएगा कि भारत में एक ऐसी गति मिली कि उस दौरान भारत के जो समुद्र वैज्ञानिकों ने बहुत से समुद्री विषयों पर जो है काम किए, जैसे भू आकृति विज्ञान हो समुद्र के जो है, या धाराओं से संबंधित विज्ञान हो, या जो समुद्र तल में मिलने वाले अवसाद हैं जो तलछट जो है हुआ और पानी है उनकी जो है रासायनिक विश्लेषण हो, या आप कहें कि समुद्री जीव प्लैंकटन और अन्य समुद्री जीवों से संबंधित अध्ययन हो, इस और हाइड्रोग्राफी हो, बैथमेट्री हो, ऐसा करके उन्होंने उस समय के देखिए कि एक नई अलग अलग समुद्र की विभिन्न विधाओं पे बहुत ज्यादा काम हुआ. और यह कहिए कि वो एक कहिए कि बहुत ही मौलिक काम थे जिन जहां पर से आधुनिक जो समुद्र विज्ञान के जो उन्हीं
शाखाओं में जो कामों की जो जो आधार बने और जो है आगे बढ़े। भारत में अभी ऐसे कौन कौन से महत्वपूर्ण संस्थान हैं जहां पर मरीन स्टडीज हो रही हैं? देखिए NIO तो एक मुख्य संस्थान है जिसकी जिसके जो प्रोफेसर इनके पानीकर जिसके प्रथम निदेशक थे। इसके अलावा जो भारत में देखें तो आज के समय में GSI का एक विशेष जो है अध्ययन जो है एक विंग है जो उसमें समुद्र विज्ञान में काम करता है। अब वर्तमान में जो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है जो उस समय पे डिपार्टमेंट ऑफ ओशन डेवलपमेंट था, तो उसकी स्थापना के बाद से उसके अंतर्गत सिर्फ समुद्र में काम करने के लिए बहुत से संस्थान बने, जिसमें कि एक हमारा संस्थान भी है राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र, इसी तरह से महासागरीय सूचना एवं सेवा संस्थान है जो हैदराबाद में जिसको इंक्वायर्स कहते हैं, इसी तरह से जो मरीन जो रिसोर्सेज हैं जो लिविंग रिसोर्सेज हैं जीवित हैं उनके संसाधनों के अध्ययन के लिए CMLRE बना जो कि कोचीन में है, समुद्री प्रौद्योगिकी से संबंधित अध्ययनों के लिए NIOT जो NIOT बना जो कि चेन्नई में है, और ये तो सिर्फ मतलब पृथ्वी विज्ञान संस्थान के संस्थान है। इसके अतिरिक्त जो अन्य विभाग हैं उनकी भी तरफ से उन्होंने जो है बहुत सारे मतलब ऐसे उनके एक अलग से या कहिए कि एक शाखाएं उनकी बनी जो सिर्फ समुद्र विज्ञान से संबंधित कामों के लिए ही डेडिकेटेड है। तो हमने यहाँ पे बात की मरीन स्टडीज की, यहाँ पर बात हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।